यह नजारा है उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के शिवविहार इलाके का। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से राशन डीलरों की दुकान पर राशन कार्ड धारकों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रखी हैं। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं, सैकड़ों की संख्या में राशन लेने आए ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं। आपको बताते चलें कि केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को पूरी दिल्ली में 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल प्रति व्यक्ति वितरित किया जा रहा है। राशन कार्ड धारकों का आरोप है कि राशन डीलर सोशल डिस्टेंसिंग बनाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। यदि राशन डीलर 50 कूपन एक बार में दे दें तो इस तरीके की भीड़ नहीं लगेगी। वो ये हर महीने ऐसे परेशान कर रहे हैं और पता। अच्छा, ये जो इतनी इतनी भीड़ लग रही है, क्यों लग रही है? अब तो इन्होंने टोकन ना बांटे इसलिए भीड़ लग रही है। अच्छा, कोरोना का डर नहीं है भीड़ को क्या? कोरोना का डर क्या, सवेरे के 6 बजे मुँह पड़े हुए लोग आ गए, 9 बजे दुकान खोले, सवेरे दुकान खोले तो सवेरे राशन बढ़ जाए। अच्छा, कोरोना का डर नहीं है लोगों को क्या? अब वो तो इन्हें सोचना चाहिए ना, भीड़ ना लगवानी चाहिए इन्हें। अच्छा, ये जो भीड़ इतनी लग रही है, कैसे लोग हैं, क्या लेने के लिए आए? ये केंद्र की तरफ से जो राशन आया है ये उसके लिए आत्मनिर्भर की जो स्कीम चल रही है केंद्र की, उसकी तरफ से ये राशन आया है, इसलिए यहाँ पे ये भीड़ लग रही है। अच्छा, यदि बात करी जाए, इस भीड़ को कोई कोरोना का खौफ नहीं है क्या? ये कोरोना का कुछ डर नहीं है, दूसरों के लिए फिल्म है, ये दूसरों की फिल्म बना सकते हैं, क्योंकि अगर हमको बोलो भी तो लेडीज डिपार्टमेंट है, वो लड़कों से तैयार हो जाता है। अच्छा, राशन डीलर की यदि बात करी जाए, उसने कोई सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं? नहीं, वो उनसे भी बड़े खतरनाक आदमी है, वो तो पूरी लाइन लगवा के खड़े होते हैं। अच्छा, इसमें यदि इस भीड़ में यदि कोई कोरोना पॉजिटिव या संक्रमित व्यक्ति आ गया तो क्या हाल होगा? हाल ये होगा कि पूरी पब्लिक भरेगी, सब जाएगी, सबको फ्री का राशन मिलेगा और फ्री मिलती है। अच्छा, इन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में? सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में यही कहना चाहूंगा कि हाँ, अपने अपनी अपनी अपना बचाओ अपने हाथ में, थोड़ा लोगों से दूर रहें, एक्टिव रहें, अपने थोड़ा लोगों से बचाव करके रखें, मास्क लगाएं, ये सब है हिसाब किताब। अगर तब भी ना माने तो फिर कोरोना में वापस मिल जाए। कितने लोग होंगे करीब? ये करीब 250-300 आदमी है। वहीं पुलिस भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाने में नाकाम साबित हो रही है। दिल्ली सरकार को इस समस्या की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों को कोरोना वायरस से बचाया जा सके। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9211478312, 9911041832। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।